हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे जिसका नाम आपने थंबनेल में देख लिया है, बट स्टिल मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। इस स्टॉक्स का नाम है विम्प्लास्ट। तो इस स्टॉक्स के पीछे की बात क्या है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड वीडियो बनाई जा रही है, तो उससे रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट ऑल का नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस पे मिलते रहे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें और जितना हो सके सीखने की कोशिश करें। तो ये हमारे चैनल है दोनों, यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोज यहाँ पर आती रहती है तो जाके वीडियोज को एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ पर आपको हमारी पता ही है कि हम जिस तरीके से स्टॉक्स देते हैं और स्टॉक्स किस तरीके से यहाँ पर वर्कआउट करते हुए नजर आते हैं, किस तरीके से हम यहाँ वीडियो में भी सिखाते हैं, बट और ज्यादा खुल के यहाँ पर जो नोट्स बनवाए जाते हैं यहाँ पर फंडामेंटल रिसर्च, मनी मैनेजमेंट, टेक्निकल बेसिक्स टू एडवांस की सही टाइम पे एंट्री, सही टाइम पे एग्जिट वो कैसे किया जाता है, तो चैनल आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पॉकेट फ्रेंडली कोर्स है, ये कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, 3 मंथ्स की प्रैक्टिकल लर्निंग दी जाएगी एज वेल एज स्ट्रेटेजी हम मार्केट में यूज करते हैं, वो आपको बताया जाएगा। ऑनलाइन नोट्स बनवाए जाएंगे और किस तरीके से ऊपर के लेवल पे लोग फंस जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स को लेके और नीचे के लेवल पे यहाँ पर खरीद नहीं पाते, तो वो सब चीज़ यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक से पर्टिकुलर कोर्स में यहाँ पर बताया जाएगा। तो जाके आप यहाँ पर एनरोल करा सकते हैं, यहाँ पर नीचे नंबर दे रखे 8860540501 और 8169261037 व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। और हम यहाँ पर नीचे यहाँ पर आप देख लीजिए सारा का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक दे रखा है, क्लिक करके अकाउंट ओपन कराइए, नाम भेज दीजिए, 15 स्टॉक्स की पोर्टफोलियो की लिस्ट आपको मिल जाएगी जहाँ पर हम आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सभी तरीके के स्टॉक्स होंगे जहाँ पर पैसा बनता हुआ नजर आएगा। विम्प्लास्ट की बात करें तो विम्प्लास्ट में यहाँ पर देखिए सेल और विम्प्लास्ट.com, तो करती क्या है कंपनी, यहाँ पर प्लास्टिक के आर्टिकल्स बनाती हुई नजर आती है। और सेलो, आपने सेलो के प्रोडक्ट्स यूज किए होंगे आपके घर में डेफिनेटली होंगे, या फिर आपने देखे होंगे सेलो के प्रोडक्ट्स, उससे रिलेटेड ये काम करती हुई नजर आती है। यहाँ पर देखिए की पॉइंट्स, वाइड प्रोडक्ट रेंज अंडर सेलो ब्रांड, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज है जिसमें हम बात करें हाउसवेयर, स्टील हाउसवेयर, ग्लासवेयर, ओपलवेयर, मेलामाइन, किचनवेयर्स और बहुत सारे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आर्टिकल्स बनाता हुआ नजर आता है, और वो भी किस नाम से, सेलो नाम से। न्यू प्रोडक्ट अराइवल्स की बात करें तो यहाँ पर कंपनी यहाँ पर डस्टबिन, क्रेट्स, चेयर्स एटसेट्रा नेम द डायनामो एंड डेल्टा चेयर्स और पेडलर डस्टबिन एटसेट्रा के नाम से यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, सेलो के नाम से ऑलरेडी प्रोडक्ट आते ही है। रॉयल्टी पेमेंट ऑफ प्रमोटर्स, तो यहाँ पर हम बात करें तो कंपनी ने ये सेलो का नेम ले रखा है, सेलो के प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में सेल आउट होते नजर आते हैं, तो उनकी जो रॉयल्टी पेमेंट है वो यहाँ पर ये देते हुए नजर आते हैं हमेशा, ये मार्च तक देते हुए नजर आएंगे। स्ट्रेटेजी लोकेशन ऑफ फैक्ट्रीज, द कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो बात करें तो चेन्नई में भी है, यहाँ पर साउथ में, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर हो गया आपका नॉर्थ में, कलकत्ता हो गया यहाँ पर आपका ईस्ट में, तो यहाँ पर पूरे इंडिया को यहाँ पर एक तरीके से बात करें तो यहाँ पर कैप्चर कर रखा है। और ये शिफ्टिंग फोकस टुवर्ड्स बबल गार्ड शीट्स, तो यहाँ पर ये अपना जो फोकस है इन पर्टिकुलर सेगमेंट के अलावा यहाँ पर बबल गार्ड शीट्स बनाने में यहाँ पर लगा रहे हैं। इट्स अप्लाइज एप्लीकेशंस आर फाउंड इन फॉल सेलिंग, वॉल पैनल, डोर पैनल और इस तरीके जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर यूज होते हैं वो यहाँ पर बनाते हुए नजर आते हैं, पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग से रिलेटेड। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, एक बार इनकी वेबसाइट पर जाइएगा, विजिट करिएगा, आपको इनके प्रोडक्ट्स आपको पता चलेगा कि कंपनी यहाँ पर किस किस तरीके के यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इनकी एड्स भी आती रहती है। तो सेलो, सेलो बबल गार्ड्स बोर्ड, यहाँ पर सेलो क्लीनो, सेलो फर्नीचर, सेलो पैलेट्स, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स ये पर्टिकुलर कंपनी बनाती हुई नजर आती है। तो एक बार इनकी वेबसाइट पर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो ये आपको दिखाई दे रही है जो भी, तो ये सारे के सारे ये जो बबल गार्ड बोर्ड है ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है। सीलिंग के लिए बनाती है, वॉल के लिए बनाती है, डोर के लिए बनाती हुई नजर आती है, वुड प्रोटेक्टर मतलब यहाँ पर आपकी जो लकड़ी है उनको प्रोटेक्टर के रूप में यहाँ पर, फ्लोर प्रोटेक्टर, वॉल फेसिंग बोर्ड, पैकेजिंग और प्रिंटिंग, और पैकेजिंग में भी ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है।
और प्रिंटिंग में भी ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो जाके एक बार देखिए, काफी बेहतरीन यहाँ पर ये कंपनी क्या है काम करती हुई नजर आती है। तो ये तो हो गया केवल आपका एक सेगमेंट, इसके अलावा बात करें तो कंपनी और भी दूसरे सेगमेंट्स में जाइएगा तो आपको यहाँ पर पता चलेगी कैसे। तो यहाँ पर ये कंपनी, यहाँ पर आप जाइएगा तो एयर कूलर से रिलेटेड कंपनी काम करती हुई नजर आती है, यहाँ पर फर्नीचर और पैलेट से रिलेटेड भी कंपनी यहाँ पर, मतलब सारे तरीके के यहाँ पर प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपनी के मिलते हुए नजर आएंगे। और कंपनी उसमें लीडिंग है, ऐसा नहीं है कि पीछे है, लीडिंग्स है। यहाँ देख लीजिए ये सारे के सारे, जैसे डेरी क्रेट्स आती हुई दिखाई देती है, इस तरीके की चेयर्स, ओके, यहाँ पर ये जिम के जो यहाँ पर शेकर्स होते हैं वो, ये सब चीज यहाँ पर ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है, डस्टबिन एंड ऑल। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो माइक्रो कैप कंपनी है, 605 करोड़ रुपए का यहाँ पर इसका मार्केट कैप है। ओके, पी वगैरह से कोई मतलब ऐसे खास रहता नहीं है, तो पी देखने की जरूरत है नहीं। आरओसी आरओई भी कुछ नहीं है। डेट की बात करें, कंपनी डेट फ्री है, ये इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। 525 का इसने अभी फिलहाल में ही हाई बनाया है, और इसके बाद बात करें ये शेयर 344 का इसका एक क्या है बुक वैल्यू नजर आती है। तो शेयर 335 रुपए तक यहाँ पर नीचे गिरता हुआ नजर आया था, अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो ये शेयर कितना लगभग 335 रुपए तक ये शेयर नीचे आता हुआ दिखाई देता। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न एक मल्टी बैगर रिटर्न ऑलरेडी दिए थे इसने कभी किसी जमाने में, ओके, 2017 में इसका हाई बना था 1600-1700 रुपए का, उसके बाद से लगातार इसमें गिरावट है, ओके, बट अब चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, ओके, और मुझे लगता है यहाँ के बाद ये शेयर और बेहतरीन यहाँ पर रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर देखिए कंपनी की सेल्स, कंपनी की सेल्स यहाँ पर फ्लैट नजर आ रही है, ओके, यहाँ पर, बट यहाँ पर बात करेंगे कंपनी लगातार यहाँ पर प्रॉफिट में है, ये एक पॉजिटिव बात है, पर थोड़ा गिरता हुआ इनका प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी ईयरली परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी ने ईयरली परफॉर्मेंस अच्छी खासी हो रही थी, बट यहाँ पर कोविड की वजह से और दोबारा कंपनी यहाँ पर बैक टू वर्क करती हुई नजर आई है, या कह सकते हैं आने पहले से ज्यादा यहाँ पर पहले वाले टाइम से लगभग आती हुई नजर आ रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखेंगे, अच्छा खासा यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ रहा है। कंपनी का हाईएस्ट प्रॉफिट कितना है, 49 करोड़ रुपीज के आसपास 2017 में, ओके, अभी कितना पिछले 12 महीने 41, और आने वाले एक आध साल में कंपनी 49 को यहाँ पर क्रॉस करती हुई नजर आएगी। और जैसे यहाँ पर क्रॉस करती हुई नजर आएगी तो शेयर जो हम यहाँ पर देख रहे थे कि 1700 रुपए के आसपास था, तो शेयर यहाँ पर आने में कोई ज्यादा टाइम लगाएगा नहीं, ओके, इस चीज को यहाँ पर देखिएगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर सेल आउट हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं सारे के सारे प्रोडक्ट्स, कौन से प्रोडक्ट्स है जो घरों में यूज होते हैं, अगर नए घर सेल आउट हो रहे हैं, ओके, स्वच्छ इंडिया की बात करी जा रही है, ओके, कंजप्शन की बात की जा रही है, हर एक चीज की जब बातें करी है, तो जो इनके प्रोडक्ट्स है वो इनके प्रोडक्ट्स यहाँ पर यूज होने ही होने हैं, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कंपनी देखिए अच्छा खासा इनके पास क्या है, कैश 401 करोड़ रुपए का, बोरिंग है नहीं, ओके, कंपनी ने लगभग 150 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कैश की बात करें कंपनी के पास लगभग 4 करोड़ रुपए का कैश भी है। कंपनी की और चीजों की बात करें तो कंपनी ने 2016 में देखिए एक 1:1 का यहाँ पर बोनस भी अनाउंस किया है। डिविडेंड की बात करें, कंपनी लगातार एक बेहतरीन डिविडेंड यहाँ पर देती हुई नजर आई है। यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी 8 रुपए का डिविडेंड अभी जुलाई में ही यहाँ पर इन्होंने पे आउट किया है, तो कंपनी डिविडेंड दे रही है, कंपनी यहाँ पर बोनस दे रही है, तो ऐसी कंपनी को छोड़ना नहीं चाहिए, याद रखिए, ऐसे जब नीचे आती है तो एक कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी बनते के नजर आती है। शेयर्स प्रमोटर्स की बात करें 55% के शेयर है लगातार यहाँ पर, अगर बात करें पिछले 2-3 क्वार्टर में शेयर यहाँ पर बिकवाली होती हुई नजर आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई प्रमोटर है जिन्होंने यहाँ पर शेयर बेचे, इनकी बात करें शाह ने जी ने बेचे, कोई इशू नहीं है। FIs यहाँ पर है नहीं। DIIs की बात करें 3.82% की L&T म्यूचुअल फंड्स के पास है। और पब्लिक की बात करें तो देखिए प्रमोटर्स ने शेयर बेचे नहीं है, प्रमोटर्स बस यहाँ से निकल के यहाँ पर आ गए हैं, इस चीज को याद रखिएगा। 40% में से 3.83% की होल्डिंग यहाँ पर, ओके, 3.36% की होल्डिंग यहाँ पर, ओके, 1-1। तो अगर हम बात करें तो जो ये शेयर होल्डिंग पहले जैसी है ना, बिल्कुल सेम एज इट इज है, बस DIIs ने थोड़ी सी बिकवाली करी है, बाकी 25% की होल्डिंग एज इट इज बनी हुई है, किसकी, पब्लिक की और बाकी प्रमोटर्स की। तो शेयर यहाँ पर कम ही है, ज्यादा शेयर नहीं है, इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पर याद रखिएगा। अब बात करते हैं इस शेयर के चार्ट से रिलेटेड, कि कंपनी का चार्ट क्या कह रहा है। देखिए एक स्टेज होती है स्टॉक्स में, चार स्टेज होती है एक्चुअली, ओके, चार स्टेज का मतलब क्या होता है, चार स्टेज का मतलब होता है एक का कंसोलिडेशन, दूसरे में प्राइस भागता है,
तीसरे में यहाँ पर एक्यूमुलेशन किया जाता है, मतलब लोगों को यहाँ पर शेयर दिए जाते हैं, बेवकूफ बनाया जाता है। और चौथे की बात करूँ तो चौथे में क्या होता है, फोर्थ यहाँ पर जब स्टेज होता है तो शेयर गिरता हुआ नजर आता है। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं इस पर्टिकुलर शेयर को ही यहाँ पर उठा लेता हूँ और इस पर्टिकुलर शेयर में आपको वो चीजें यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो स्टेज है ना, ये स्टेज वन चल रही थी। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये स्टेज वन चलती हुई नजर आ रही थी, बट वन के बाद यहाँ पर स्टेज क्या चली, टू चली। ओके, स्टेज टू जो चली तो यहाँ पर क्या रिटर्न मिले, ये मिले। स्टेज थ्री यहाँ पर होती हुई नजर आई और स्टेज फोर ये नजर आई। बट ये चीजें बार बार रिपीट होती रहती है, इस चीज को याद रखिएगा। अब क्या हो रहा है, 2019 से लेकर 2023 लगभग 4 साल यहाँ पर हो चुके हैं। शेयर ने देखिए अभी यहाँ पर फिलहाल में ही क्या किया है, ये एक हाई था 455 रुपए का 2020 का। ओके, वो जैन 2020 का वो इसने क्या किया है, क्रॉस किया है। ओके, और जैसे ही मैं आपको बताता हूँ ये जो लेवल है ना 721 का, ये पर्टिकुलर लेवल जैसे ही यहाँ पर क्रॉस हुआ, ये शेयर भागता हुआ नजर आएगा और बहुत अच्छे रिटर्न देगा। 2021 की बात करूँ तो 2021 में देखिए 262 रुपए का यहाँ पर सेल्स थी, 262 करोड़ की। अभी सेल्स यहाँ पर ज्यादा है। ओके, मार्जिन थोड़े से जरूर कम हुए हैं। ओके, बट प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट अभी भी यहाँ पर कंपनी का ज्यादा आ रहा है। तो ये लेवल तो निकलना निकलना है। ओके, और जैसे ही ये लेवल निकलेगा तो चीजें यहाँ पर क्या नजर आती है, चीजें मुझे ये नजर आती है कि ये राउंडिंग बॉटम बना के थोड़े बहुत टाइम में इसी रेंज में आती हुई दिखाई देगी, अगर कंपनी ने एक आध बार अच्छे खासे क्या कर दिए, नंबर अपने पेश करते हुए नजर आई। तो इसी तरीके से चीजें काम करती है और इसी तरीके से चीजें हमेशा काम करेंगी। तो यहाँ पर हम देखें, एक ऑलरेडी क्या हो चुकी है, एक ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है, शेयर एक अच्छे खासे रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। ओके, और बार बार ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है ना, इसे जैक क्रॉस करने की ये क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। ओके, और जैसे ही ये 520 का जो लेवल है इसने क्रॉस किया, ये शेयर धीरे धीरे करके यहाँ पर जाता हुआ नजर आएगा, जो मुझे यहाँ पर जाता हुआ दिखाई भी दे रहा है। ये इसने एक फ्लैग बनाया है, जैसे ही हाई निकलेगा चीजें ऊपर, नीचे निकला तो नीचे गिर सकता है, बट यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हैं 450 रुपए का। तो कितना, 50 रुपए की डाउन साइड रिस्क। और ऊपर की बात करूँ तो सबसे पहला टारगेट 751 का है। 751 का मतलब क्या है, 751 का मतलब ये है कि ये शेयर लगभग लगभग आपको 42% की रिटर्न ये देता हुआ नजर आ रहा है। और जब मैं बात कर रहा हूँ कि शेयर और ऊपर जाएगा, तो जब और ऊपर जाएगा तो अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए कंपनी के जो वॉल्यूम है ना दोबारा आने शुरू हो गए, ये एक पॉजिटिव फैक्टर वाली बात है। बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम आप हमारे जो कोर्स है इसे एनरोल कर लेंगे इस नंबर पे, जहाँ पर रिसर्च एनालिसिस टेक्निकल बेसिक्स टू एडवांस फंडामेंटल, जब ये चीजें समझाई जाएगी तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि मैं एग्जैक्टली यहाँ पर क्या कह रहा था और क्या मैंने ऐसे स्टॉक्स मैंने क्यों यहाँ पर बार बार निकलवाए हैं, जो यहाँ पर आपको नजर आएंगे कि ये स्टॉक्स अच्छे खासे 30 रुपए के भाव से हमने यहाँ पर पकड़ा था और आज की डेट में 150-150 रुपए, लगभग 5-5 गुना ये होके अच्छे खासे पैसे 6-6 गुना होके देते हुए नजर आ रहे हैं। सो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें। वीडियो अच्छे लगे लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।